कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं के जोश से नहीं लगता कि कांग्रेस हारी है और भाजपा जीती है। वो जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें भी समीक्षा करनी होगी कि क्या कारण रहे जिससे उन्हें हार मिली। स्पीच आगे जो भी वाइट है, मानवता इन सबसे ऊपर उठकर के राजनीति से प्रेरित मामले लगते हैं, और कुछ दिन पहले हमने देखा भी कि अमेठी में भी इसी तरह की बात आई निकल करके, और जब पिछले एक दो दिन में सारे तथ्य सामने आए डीजीपी की तरफ से जब बात आई यूपी के, तो ये निकल करके आया कि वो राजनीतिक रंजिश के चलते भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुद ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या करी, और उसका ब्लेम कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर लगाने की कोशिश। हम तो यही कहेंगे कि राहुल जी ने एक मजबूत नेतृत्व दिया, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस के ग्राफ में वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई, और हरियाणा के अंदर भी हम लोग यहाँ पिछले चुनाव में हमारा वोट शेयर करीबन करीबन 22% के आसपास था, आज बढ़कर के 28.4% हुआ, 5.5% की बढ़ोतरी उसमें हम लोगों ने हासिल करी। ये सच्चाई है कि कांग्रेस हरियाणा के अंदर कोई सीट नहीं है आई, लेकिन उसके और भी बहुत कारण है, और जो दूसरे नंबर पर पार्टी थी आई एन जी वो आज टूट करके तीसरे और चौथे नंबर पर, और आईएनडी और जेजेपी का कंबाइंड वोट शेयर घटकर के 6.8%। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक बड़ा कारण रहा कि जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ हरियाणा की राजनीति में, और ध्रुवीकरण हुआ नहीं ये कहीं ना कहीं खुद इसके लिए इनेलो और जेजेपी जिम्मेदार है। अगर वोट प्रतिशत देखें, मैं खुद के संसदीय क्षेत्र में आपको बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जहाँ आई एन एल डी को पिछले चुनाव में 5.25 लाख के आसपास वोट मिले, उसके इस बार दोनों के मिला के आई एन एल डी के देखेंगे तो 70-80 हजार है, और दोनों के मिलाकर के करीबन 1.5-2 लाख के मिले, तो ये 3.5-4 लाख वोटों का जो ट्रांसफर है, कहीं ना कहीं ये मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने